यहाँ दशहरी नहीं आता मुंबई तक, वो इंग्लैंड तो. एनीवे आई एम सो ग्लैड यू गाइस लाइक्ड इट. दिस इज टू ऑल द फेसबुक पीप्स आउट देयर. एंड या लेट्स स्टार्ट. या हम लोग को बहुत अच्छा लगता है दैट वी आर एक्सचेंजिंग नोट्स ऑन अ ग्लोबल लेवल. और ये एक बहुत ही प्यारी फिल्म है, ट्रू स्टोरी है, एक बायोपिक है, तो इसमें बनता है. एक इंडियन की स्टोरी है, एक उन लोग की रिलेशनशिप है, क्वीन विक्टोरिया एंड अब्दुल करीम हु वॉज फ्रॉम आगरा. और ये एक सर्वेंट की हैसियत से गए थे, लेकिन देर वॉज मच मोर टू हिम विच यू विल सी वंस यू सी द फिल्म. और इन दोनों के बीच एक ऐसी फ्रेंडशिप थी जिसके बारे में इनफैक्ट रॉयल फैमिली ने आज तक कभी बात नहीं की है. ये धोखेबाज यार ये. सॉरी. एनी वे द रॉयल फैमिली हैज़ नेवर स्पोकन अबाउट दिस, बट देर आर देर अ ब्यूटिफुल अकाउंट. शबानी बासु ने इसका अकाउंट दिया है अपनी अपनी किताब, विच इज़ टाइटल्ड विच हैज़ द सेम टाइटल विक्टोरियन अब्दुल. एंड उसमें काफ़ी डिटेल्ड वर्जन दिया हुआ है, बट आई हैव टू कन्फेस मैंने वो किताब पढ़ी नहीं. आई स्टक टू द स्क्रिप्ट और उसकी वजह से मुझे 8-10 और किताबें पढ़नी पड़ी हिस्ट्री पे. बट दैट वॉज प्रेपरेशन मोड और आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस दैट आई वॉज पार्ट ऑफ. आई थॉट it was Stephen Frears, it was you know Judi, he's a legend. Sab jante hain ki Hollywood ki filmon mein kaam pana ya mauka pana bahut mushkil hota hai, bahut kam logo ko ye mauka milta hai. Indians mein bhi bahut kam aise actors hain jo crossover karke gaye hain wahan par. Hum jante hain ki aapne Fast and Furious mein ek chhota sa role kiya tha, to ye role aapko kaise mila, iske liye kya mashq मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, अंदर से खुशी हुई, क्योंकि इनकी फिल्में मैं मतलब बचपन से देख रहे हैं हम लोग, बड़े हुए हैं. मेरिल स्ट्रीप, जूडी डेंच, यू नो वैनेसा रेडग्रेव, ऑल दीज पीपल, एंड ऑफ कोर्स शी इज एन ऑस्कर विनर, तो उससे ज़्यादा आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर. मुझे ये आई वेंट थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग. इंडिया में मैंने ऑडिशन दिया था, बल्कि मैं किसी के साथ बैठा हुआ था एक मीटिंग में. मुझे आई विश वन डे आई विल टेक दैट पर्सन्स नेम बिकॉज आई ओ इट टू दैट पर्सन. इंडस्ट्री की हैं एंड उन्होंने कहा था कि ये एक फिल्म हो रही है और ऑडिशंस ख़त्म हो गए, आई डोंट नो बट यू नो व्हाई डोंट यू ट्राई. तो मैंने फिर कास्टिंग डायरेक्टर को कॉल किया, नंदिनी को, एंड मैंने कहा यार आई जस्ट रिकॉर्ड इट, यू नो लेट्स सी, लेट्स हैव फन, फ़ोन पे रिकॉर्ड करके वील सेंड इट. और फिर मैं भूल गया था बिकॉज 20-25 दिन बाद मुझे कॉल आया कि यार दे रियली लाइक्ड इट एंड दे वांट टू सी अनदर वर्जन एंड दे आर कमिंग डाउन टू इंडिया. दे वर स्टिल मीटिंग अदर एक्टर्स एंड लॉट्स ऑफ एक्टर्स, मतलब आई थिंक दे हैव गॉन थ्रू द एंटायर लिस्ट व्हिच इज फन नोइंग दैट लिस्ट. बट आई फील वेरी प्रिविलेज्ड बिकॉज देर आर सम ऑफ माई कोलीग्स हु आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट देयर वर्क, एंड टू बी पिक्ड ओवर देम इज आई थिंक इज ऑलरेडी अ बिग अवार्ड फॉर मी. लेकिन आई थिंक उसके बाद मैं स्टीफन फ्रियर से मिला था, मेरी पहली मीटिंग हुई थी मेरे डायरेक्टर से. वो ऐसे क्या ना कि वो सोफे पे लेटे हुए थे, उनको डेली बेली हो गई थी तो उन्होंने कुछ ख़राब खा लिया था. बीबन किड्रॉन वॉज देयर सिटिंग देन, शी आई गिव माई होल क्रेडिट टू एंड ली हॉल हु इज़ द राइटर ऑफ दिस फिल्म, ऑल्सो एन ऑस्कर विनर फॉर बिली एलियट. आई थिंक आई वॉज हिज वन ऑफ हिज फेवरेट चॉइसिस. Stephen was not at first convinced with me because also I blame his condition at the time. Phir main London gaya, wahan pe hum logo ne test kiye ek studio mein with other actors, and then I came back and finally main apne doston ke sath baitha hua tha ek restaurant pe, to maine bathroom mein jaake call liye kyunki wo dik chik sound baj rahi thi. So I still to ye film ek bathroom mein maine yes bola hai iske liye Bandra ke ek restaurant mein. So that's I'm sorry. अच्छा एक और सवाल कि जब आप पहली बार जूली डेंच से मिले तो क्या बात हुई? Obviously आप एकदम हैरान भी होंगे, खुश भी होंगे, क्या बात हुई? और सेट पे जब आप काम कर रहे थे कुछ ऐसा वाक्य जो खास हो बताने लायक हमसे शेयर कर सकते? बहुत से वाक्य हुए थे, मतलब हम लोग तो पूरे आई थिंक 50-60 डेज थे, लेकिन पहली दफा जब मैं मिला था हम लोगों ने एक लंच किया था
just to meet each other and break the ice. तो मैं ज़मीन पे आ गया था, मैंने पैर छुआ, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने गले लगाया, and you know, I think it was really sweet. She was very welcoming. She made me at ease, and I think that relationship began there. उस दिन लंच पे लंदन में, close to a house somewhere, I remember. और उसके बाद से वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मेरे लिए क्या है ना कि मेरा को एक्टर अगर अच्छा है, एंड स्पेशली इफ इज जूडी डेंच, वेरी सेल्फिशली माई जॉब बिकम्स वेरी इजी. इट बिकम्स हाफ ऑफ व्हाट आई नीड टू डू. एंड बहुत लोग ऐसा नहीं सोचते ना, आई कीप टेलिंग माई कलीग्स ऑल्सो ऑल माई फ्रेंड्स कि यू नो इट्स बेटर इफ योर एक्टर इज को एक्टर इज बेटर देन यू, बिकॉज यू आर गोना लुक बेटर. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड ऑन सेट. मतलब हम लोग कितने इंस्टेंसेस थे यार. स्कॉटलैंड वाला, इफ यू सॉ दैट बिग माउंटेन और लेक, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सीन्स हम लोगों ने शूट किया था. बहुत ठंड थी वहाँ पे, मेरी हालत ख़राब हो रही थी, और जस्ट टू स्टैंड स्ट्रेट वाज इट वाज नॉट पॉसिबल. नॉट बिकॉज ठंड थी, बट इतनी विंड चल रही थी, एंड आई कुडंट, यू नो, नन ऑफ अस कुड स्टैंड स्ट्रेट. और स्कॉटलैंड में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, greens are like, nee, nee, nee. Next thing we know, we're shooting a scene on a boat right there in that lake. Aur hum log, matlab, this was us, me and Judy. So it was hilarious because that one, it was one shot. It was not cuts or anything, and it took 3-4 hours to shoot. So that was the beginning of this film. It started with insects, but I think it was a wonderful journey. Sabki life mein ek before after hota hai. I'd like to say this is my, yeah, that. After version. Ali, what are the conversations regarding Bollywood with Judy in that sense? Because what's her perception of Indian cinema that way? Song and dance. Unfortunately, na, and we hate that. So I told her, I said, no, that's not Bollywood. You know, we are much more than that. Also because she's been part of Marigold films, so in loki shooting puri Rajasthan mein extensively hui hai. She's been to India. She loves India. तो इंडिया की काफ़ी बातें होती थी, खाने के बारे में काफ़ी बातें होती थी, और बॉलीवुड ऑफ कोर्स. तो पूरा प्लान बना था कि शायद मेरी फिल्में देखी जाएंगी एक दिन, मेरा मजाक शायद उड़ाया जाए या जो भी होगा. आई सेड नहीं, अभी पहले ये बना लेते हैं. बट शी लव्स इट. शी, यू नो, दे वर, शी वाज आई थिंक अ लिटिल हार्ट ब्रोकन दैट शी कुड नॉट कम टू इंडिया, विच इज़ आयरोनिक क्योंकि एम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑल्सो नेवर केम टू इंडिया, एंड देयरफॉर वी कुडंट शूट विद हर. Make Judy come here. I really hope. I'm not sure, but I really hope we can, and it'll be amazing. She's really gunning for it. We all are, but I think we've also got a very busy schedule ahead. But I have no idea kya ho raha hai in the next few months. I think this was ek padav tha jo humne par kar liya. Achi, ek sawal main janna chahta hu ki jab Indian actors Hollywood ki filmon mein ya Western filmon mein kaam karte hain, to typecast hone ka khatra bahut zyada hai. Indian logo ko Indian hi kirdar milte hain. और कुछ छोटे छोटे किरदार मिलते हैं, आपका तो काफी अच्छा किरदार है, लीड में है आप, तो इस तरह अगर आप आगे काम करें, कोई एप्रिहेंशन है कि आगे जाके टाइपकास्ट हो जाएंगे या पर्टिकुलर तरह के रोल्स मिलेंगे? नहीं, आई थिंक एवरी इंडियन एक्टर को ये लगता है, एंड इट्स टोटली जायज है, क्योंकि हमें सालों से टाइपकास्ट किया जा रहा है. आई मीन द लास्ट टाइम समवन डिड अ रोल लाइक दिस वाज शशि कपूर बैक इन द डे, व्हिच नोबडी टॉक्स अबाउट अनफॉर्चुनेटली. यू नो, ही वर्कड विद रिचर्ड एटनबरा in leading roles. Stephen Frears has also directed him, which is my director on this film, in another very controversial film. I think now times are changing. Now a lot of, and not just with Indians or not with people in the East, but even people in the West side, you know, just of different color and race, there's a lot of blind casting happening. People understand that there is talent across the globe. You can't be myopic about it, you know, and especially with the web opening up, Netflix, Amazon, I mean, they're coming in big. You know, we've recently seen such huge collaborations with, you know, Brad Pitt, Shah Rukh, sir, together, and so many more to come. So I think it's a great time to share notes, and I'm very happy that I can bring something to the table. So that was my first fight, huh? Yeah. Oh, I think I put up quite a fight on so many fronts. But no, it was, I think I blame Russell Peters for that,
because he single-handedly ruined you know, Indians across the board. I think we are far better, and we have a far better accent than that, and that is not the Indian accent, and I think everybody understood, and I was very, very adamant on certain words also that the Western culture does not understand, and these are words and names that you can't pronounce any other way. So it is a back and forth thing, yaar. You know, if you have a point, people listen today. It's not some hierarchy, and it's the same in Bollywood. I mean, we're getting accustomed to international influence as well. Ali, did you feel any, did you face stereotypes while shooting for the film? Like you said that people, it's high time people, you know, drop the myopic point of view. But did you feel those cliches coming or those stereotypes while you were shooting for the film? No, actually, surprisingly not. Because this particular film, you can't really talk about that because it happened in the 1800s, where there was a certain culture that we brought as Indians, we preserved. Even though we were being ruled by the Brits, and this is post-mutiny, that whole Victorian era, spanning over 15 years in this story, but aisa kuch wo cliched nahi tha, because Abdul Karim was an educated man. So the English he's talking is legit. The Urdu he's speaking is Urdu. It's not English Urdu, you know. The Urdu we're writing, the namaz, everything. I mean, these are small pointers which I kept in my mind, because I thought we've always seen versions that are more suitable to the Western cinema. You know, like the Red Indians for the longest time were shown as evil tribal people who used to just kill white people. You know, but the times have changed. That's not true. So, yeah. Does that answer your question? Went on a because say again. Because ask my point was, when you were shooting, when you were on the set. You mean I faced some sort of. Western culture or Western directors, filmmakers have towards Indian cinema or Indian actors. So those kind of stereotypes, do you feel? No, not at all. I think no, and also because Stephen has personally worked with so many Indian actors, you know, himself. I mean, My Beautiful Laundrette came from this man. He launched Daniel Day-Lewis. I mean, and then working with. Rohan Seth and Saeed Jaffri, the works at that time, Shashi Kapoor himself. So he understands the Indian ethos, and I think he made sure that it didn't get influenced by anything Western in that. Taj Mahal was one thing that that's a bit of fun we had on set with that. Sir, you made your debut from Bollywood. And now you're working in Hollywood. So what is the difference in working in both the industries? There's not much of a difference. At the end of the day, we do respect Hollywood, because Hollywood is an older cinema. Correct. Than us. Correct. We came a little later. And technologically, they are way ahead right now. Right. But at the end of the day, the stories are similar. The emotions are the same. We have great scripts coming up in our country. We are doing very well. Some great cinema is coming. I'm very proud of it, and I'm not gonna, you know, just bail out and say haan abhi Hollywood ho gaya, but I'm enjoying this ride, because I think it's the one chance we as actors we are getting to share something and bring something to the global stage, to world cinema. I think that's really important I think it's good, and it's amazing that I started my career with a small part in Three Idiots, and I started my career in Hollywood with a small part in Fast and Furious. So it's funny, but it's interesting. Thank you. एक छोटा सा सवाल यहाँ पे वैसे तो आपने बहुत आपका करियर बहुत छोटा है भले हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो लेकिन क्या एक फर्क आप पाते हैं जब इंडिया में काम करते हैं इंडियन लोगों के साथ काम करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत प्रोफेशनल माने जाते हैं कंपैरेटिवली जब यहाँ पे काम होता है इंडस्ट्री में आई थिंक वी आर क्वाइट प्रोफेशनल आई मीन यस देयर आर सी यू हैव टू आल्सो टेक इन बजट्स यू नो टेक इन द प्रोडक्शंस दैट वी गो थ्रू हमारे यहाँ इतनी फिल्में बनती हैं एथनिक समटाइम्स बहुत छोटे छोटे बजट्स पे बनती हैं तो क्या होता है ना व्हाट वी लूज आउट ऑन इज देन दी स्मॉल एथिक्स की यू नो द प्रोफेशनलिज्म इज व्हाट वी कॉल ऑन सम फ्रंट्स और टेक्नोलॉजी और जस्ट समटाइम्स द क्वालिटी अनफॉर्चुनेटली एंड दैट्स इट दैट्स ऑल अदरवाइज आई थिंक यू नो टुडे अ लॉट ऑफ प्रोडक्शंस आई हैव वर्क्ड विद हियर पर्सनली आई मीन वी जस्ट डिड हैप्पी भाग जाएगी फुकरे आई हैव जस्ट फिनिश्ड आई थिंक दे आर वंडरफुल मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल पीपल आई हैव वर्क्ड विद
And I'm very proud. But of course, they've been following this for years and decades. So we have to give it a little, thoda benefit of the doubt dena padega, that they've learned that routine. And we're getting into it. So I think it's good time. Yeah, really. Thank you. Very much. Thank you very much. I shouldn't because that, yeah, that Nandini was casting. Nandini was casting in India. Maybe in good time. I don't think, you know, I'll literally have to take her permission for this. She's not an actor, if that's what you're thinking. But you would know her. Yeah. Thank you. Any other questions? That's a good question. I was pressured to, and I did start reading it. And no offense to Shabani, I mean, I love Shabani and her style of writing everything, but I think Lee had written a very interesting script and he had a different take to it. And I didn't want to spoil it in my head because it was all about firsts. It was all about coming to England for the first time, and experiencing that for the first time. And the script was structured in such a way that it was just a personal choice. It's nothing profound or ki wo kuch maine usme mantra lagaya. Unfortunately, in fact, because of that decision, mujhe 8 se 10 aur kitabe padhni padi. So I ended up reading much more. Sometimes I did wish I'd just read the book and gotten away with, but I had to read a lot on the history of that time because of that. Thank you. Thank you very much for coming, guys. Thank you. Thank you so much, guys. We're good?